तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो यदि आपने कभी हरिद्वार की यात्रा की है तो आप वहां मनसा देवी के मंदिर जरूर गए होंगे, क्योंकि भारत में मनसा देवी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में ही है। मनसा देवी को नागलोक की देवी माना जाता है, उन्हें विष की देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है और मनसा देवी शिव की मानस पुत्री है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। जी हाँ, वही नाग जो आप शिव जी के गले में देखते हैं उसी का नाम वासुकी है। वैसे मनसा देवी के उद्भव के बारे में, जन्म के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है, तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ मनसा देवी के जन्म से लेकर उनके देवी बनने तक की पूरी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मनसा देवी के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि माता मनसा देवी की पूजा उल्टे हाथों से की जाती है। तो मनसा देवी आखिर क्यों उल्टे हाथों से ही अपना पूजन स्वीकार करती है, इस बारे में रहस्य आपको बताएंगे। और यदि आप मनसा देवी के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो देखिए। मनसा देवी की पूजा से क्या लाभ होते हैं, मनसा देवी की साधना से क्या लाभ होते हैं, यह जानकारी भी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मनसा देवी के जन्म से एक छोटी सी घटना या कहानी जुड़ी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता पार्वती ने काली का भयंकर रूप धारण करके हजारों दैत्यों का संहार किया था। और एक समय की बात है, माता के इसी उग्र रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मौत हो गई। अपनी बहन की मौत हो जाने पर वासुकी काफी दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेंट स्वरूप दे दिया। चूंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा रखा गया और इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। नागराज वासुकी उस कन्या को अपनी बहन के रूप में लेकर नागलोक के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचे होंगे कि अचानक गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला ताप सहन नहीं हो सका। देवी मनसा जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही शिवजी ने हलाहल विष का पान किया था और यही हलाहल विष मनसा के जन्म पर उसके पूरे शरीर में मौजूद था। कहते हैं कि मनसा देवी में इतना जहर है, इतना विष है कि अगर पूरी दुनिया के सभी सांपों का विष भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी मनसा देवी के विष की बराबरी नहीं की जा सकती है। तो अर्ध चेतन अवस्था में धरती पर गिरे वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा और उनसे विनती की, हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कन्या शिशु अवस्था में इस ताप को कैसे सहन कर पाएगी। और फिर महादेव ने देवी मनसा को पंचकोश क्रिया के द्वारा शिशु अवस्था से सीधे युवा अवस्था में पहुँचा दिया। चूंकि मनसा देवी जन्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा विषैली थी और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें अद्भुत चमत्कार या शक्ति भी मौजूद थी। जब मनसा देवी को ये मालूम हुआ कि वो बेहद शक्तिशाली है तो उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार होने लगा। एक दिन उन्होंने इन शक्तियों के आधार पर पाताल लोक पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की और बलपूर्वक चाहा कि सभी उनकी पूजा करें। इसके लिए उन्होंने बगावत छेड़ दी। वो चाहती थी कि शिव परिवार में जैसे गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही शिव की पुत्री होने के कारण धरतीवासी भी उनकी पूजा करे। जब शिवजी को इस बात का पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह स्वयं को पूजनीय बनाने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को बुलाया और कहा, जाओ धरती पर जाओ, पृथ्वीलोक पर जाओ। वहाँ पृथ्वीलोक पर मेरा एक भक्त है चंद्रधर, यदि वो तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। उस समय धरती पर चंद्रधर शिव का महान भक्त था। मनसा देवी ने उसे बलपूर्वक अपनी भक्ति करने के लिए तैयार करना चाहा, मगर चंद्रधर भगवान शिव का परम भक्त था और वो किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था, और इसीलिए उन्होंने मनसा देवी को उनकी भक्ति करने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया। तब मनसा देवी चंद्रधर से क्रोधित हो गई। गुस्से में मनसा देवी ने एक एक करके चंद्रधर के 7 पुत्रों को मार डाला। तब चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की तो देवी मनसा ने उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। फिर चंद्रधर के फिर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मीचंद्र रखा गया। लक्ष्मीचंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या बहुला के साथ किया गया। बहुला एक महान सती थी
जब मनसा देवी के भरपूर प्रयासों के बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब एक दिन मनसा देवी ने उनके ही द्वारा वरदान से प्राप्त पुत्र लक्ष्मीचंद्र को शादी की पहली रात में ही मार डाला। बहुला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के देवताओं से प्रार्थना की कि उसके पति को जिंदा कर दे, उसे न्याय दे, मगर कोई भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पाया। सभी ने उसे भोलेनाथ शिव के समक्ष जाने के लिए कहा और अंत में बहुला भगवान शिव के समक्ष गई और भगवान शिव के सामने अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। जब भगवान शिव को पता चला कि इसके पति की मौत का कारण उनकी पुत्री मनसा ही है, तो भगवान शिव तांडव करने लगे और फिर मनसा देवी शिव के सामने प्रकट हुई। शिव जी से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लक्ष्मीचंद्र के प्राण वापस लौटा दो, लेकिन मनसा ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। तो मनसा को अपनी गलतियों का भान हुआ। उसने सभी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और भोलेनाथ शिव से निवेदन किया कि वो लक्ष्मीचंद्र को पुनः जीवित कर दे। तब भगवान भोलेनाथ शिव ने लक्ष्मीचंद्र को पुनः जीवित कर दिया और साथ ही साथ चंद्रधर के सातों पुत्रों को भी जीवित कर दिया। मनसा को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया गया और फिर देवी बहुला की प्रार्थना पर भोलेनाथ शिव ने चंद्रधर को आदेश दिया कि वह देवी मनसा को फूल अर्पित करके उनकी पूजा करे। देवी मनसा को यह वरदान भी दिया कि तुम इस संसार में देवी की तरह पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तब भोलेनाथ शिव की आज्ञा पाकर चंद्रधर ने मनसा देवी को पूजा के स्वरूप फूल अर्पित करना चाहा। तभी मनसा देवी ने कहा, रुको, सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पित किया जाता है, लेकिन मैं सभी से उल्टे हाथ से ही पूजा स्वीकार करूंगी। और तभी से देवी मनसा को उल्टे हाथों से पूजा की जाती है और भोग लगाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि देवी मनसा की साधना या पूजा करने से साधक को या उनकी पूजा करने वाले भक्त को क्या लाभ होता है। जो भी भक्त मनसा देवी की साधना आराधना पूजा करता है, कैसा भी सर्प दोष हो उसका कैसा भी सर्प दोष समाप्त हो जाता है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें मनसा देवी की आराधना करने पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है। अगर आपके घर में कई प्रकार की बाधाएं बनी रहती है, तो आप मनसा देवी की नियमित रूप से पूजा कीजिए। मनसा देवी की नियमित पूजा हर बाधा को समाप्त करने वाली होती है। जिसके घर में भूत प्रेत का साया होता है या जो लोग भूत प्रेत से डरते हैं, भूत प्रेत आदि शक्तियों का साया जिनके ऊपर है, उन्हें मनसा देवी की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भूत प्रेत का साया समाप्त होता है। जिन लोगों के लंबे समय से कोई रोग चल रहा है, काफ़ी दवा औषधियाँ लेने के पश्चात भी, इलाज कराने के बाद भी यदि रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्हें मनसा देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि मनसा देवी की पूजा के पश्चात रोग तेजी से ठीक होने लगता है। जिन माताओं बहनों को शारीरिक पीड़ा बनी रहती है, उन्हें मनसा देवी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी शारीरिक पीड़ाएं नहीं होती है। और जो लोग मनसा देवी की साधना करते हैं, नियमित रूप से मनसा देवी की साधना हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। तो आप भी मनसा देवी की साधना आराधना पूजन कर सकते हैं। और यदि आप मनसा देवी के दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं, तो आपको जाना होगा हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, हर की पौड़ी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी के मंदिर तक चढ़ाई होती है, वहाँ के लिए आपको रोप वे उड़न खटोला मिल जाता है, जिसमें आप बैठ कर मनसा देवी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, यदि आप थोड़ी चढ़ाई चढ़ने में सक्षम हैं तो आप पैदल पैदल भी मनसा देवी के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। मनसा देवी का यह मंदिर काफ़ी चमत्कारी मंदिर है जो कि हरिद्वार में मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ जो भी मनोकामना रखी जाती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएँ अवश्य पूरी होती है। यहाँ मनसा देवी के मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तगण मनसा देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप भी मनसा देवी के दर्शनों के लिए हरिद्वार जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी।
तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।